और नाक में। पहली बार करें तो इस पे तेल भी लगा लें, जिससे अंदर अपना नाक छिले नहीं। तो तेल लगा के ये करें, ये देखो आप गले से बाहर आ गया है। यहां से डालोगे तो अपने आप गले में आ जाएगा। दोनों उंगलियों से अंदर डाल के पकड़ के बाहर खींच लो, और उसके बाद में उसको बहुत धीरे धीरे, पहले रबड़ की करेंगे वो धीरे धीरे करेंगे, दो तीन बार ही करेंगे, वरना अंदर से कई बार छिल जाता है और खून आ जाता है। तो ये सावधानी इसमें मुख्यतः जरूरी है। जिनका नाक बंद है वो सावधानी पूर्वक करें, दिक्कत होती है उनको, आप दूसरे नाक से उसमें तेल लगा के ही करें, ये सावधानी रखें और पतला रखें पहली बार, धीरे धीरे मोटाई एक महीने बाद में मोटाई बढ़ाएं। अब ये दूसरे नाक से देखो आप, ये अपने शरीर की पूरी सफाई हो जाती है एकदम रगड़ाई। आदमी खुराना जी भी बहुत बढ़िया जन नेति ये करते हैं अपने सूत्र नेति, तो इनसे भी एक दिन करवाएंगे अपने। इसके बाद एक गज करनी होती है, वो भी मैं आपको करके दिखा दूं। अब वो आंखों के लिए बहुत बढ़िया, तो उसको भी सावधानी पूर्वक करना चाहिए, देख करके, केवल देख के नहीं समझ के करना है। गज हाथी को बोलते हैं, जैसे हाथी सूंड में पानी भरकर फेंकता हुआ आपने देखा होगा। ये नाक से पानी निकाल रहे हैं। जल नीति का आंखों पे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, पर सावधानी ये जरूरी है पानी ना रह जाए, बस ये जरूरी है। ये प्रक्रिया पूरी हुई, मैं पुराना जी से अनुरोध करूंगा कि ये भजन गा के सबको उत्साह ला दे, लास्ट में आश्वासन भी करवा दे। पुराना जी आ जाए।